तो हेलो गाइस, आज की शुरू में बात करेंगे आप सभी से। अगर आप सभी 19 से 22 सेशन की छात्र हैं तो जानते होंगे आप सभी को पार्ट टू एग्जाम इस साल होने वाली है। इस साल के अंत तक आप सभी को पार्ट थ्री के एग्जाम ले ली जाएगी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आप सभी को एग्जाम फॉर्म फी कितने होंगे। तो एग्जाम फॉर्म फी आप सभी को 600 रुपया रखी गई है, मतलब 600 रुपया रखी गई है। अगर आप सभी को एडमिशन नहीं लिए होंगे तो आप सभी को प्लस एडमिशन चार्ज रखी गई है। सभी कॉलेज का अलग अलग एडमिशन और एग्जाम फॉर्म फी रखी गई है। तो उन सभी कॉलेज का नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप सभी डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने अपने कॉलेज का फी कितने हैं। तो यहाँ तक आप सभी समझ होंगे। अब बात करते हैं आप सभी को लास्ट डेट क्या है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो 16 जून तक आप सभी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने कॉलेज में जाकर। ये भी आप सभी को माइंड में क्वेश्चन होगा क्या डेट बढ़ेगा या नहीं, तो आप सभी को निश्चित है कि डेट बढ़ेगी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। काफी छात्र छूट जाते हैं तभी आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लगभग बात की तो 20 जून तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को 27-28 जून तक आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएगी। उसके बाद आप सभी को जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्जाम ले ली जाएगी। यहाँ तक आप सभी को डाउट क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आप सभी को क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कुछ कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन और एग्जाम फॉर्म फिलअप कराई जा रही है, कुछ कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन और एग्जाम फॉर्म फिलअप कराई जा रही है। अगर आप सभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय गलती न करें, आप सभी कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म दी जाएगी। अगर कोई भी त्रुटि होगी तो उसको काट कर आप सभी सुधार कर सकते हैं, तभी आप सभी सबमिट करें कॉलेज में जाकर। नहीं तो आप सभी को मार्कशीट आते समय गलती ही पाए जाएंगे। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो पार्ट वन का मार्कशीट और पार्ट वन का एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आप सभी को रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसका मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, उसके बाद आप सभी को आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, दो फोटो अपने पास में होनी चाहिए, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी एक वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अपडेट इस तरह की मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।